दिव्या दृष्टि में आज दृष्टि राक्षस के कमरे में जा रही होती है, तभी वो बेहोश हो जाती है और गिरने वाली होती है, पर वहीं पर शिखर आके दृष्टि को गिरने से बचा देता है और बाद में शिखर दृष्टि को एक सहार पर बिठा देता है। और तभी दृष्टि बेहोश की हालत में बोलती है कि राक्षस की शादी नहीं हो सकती, और बाद में शिखर दृष्टि को पानी देकर होश में लाता है। थोड़ी देर तक शिखर और दृष्टि के बीच बातचीत होती है और शिखर दृष्टि को अपना इंट्रोड्यूस कराता है। वहीं पर पिशाच ने उसका लॉकर ढूंढने के लिए राक्षस के कमरे के पास आती है, तो वहीं पर राक्षस के बहनों आती है और उसे देख जाती है, और वो लोग पिशाच ने इसे नीचे से थार लेके आने के लिए कहते हैं। वहीं पर शिखर नीचे सब लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं भी आज शादी करूंगा, क्योंकि अब तो मैं भी अकेला अकेला हो जाऊंगा और मैं इसी मंडप में शादी करूंगा। सब लोग शिखर को पूछते हैं कि पर तुम शादी किससे करोगे? तभी शिखर कहता है कि मैं मिस सुध से आज इसी मंडप में शादी करूंगा। और बाद में महिमा कहती है कि तुम इस शादी को लेकर खुश तो हो ना। दूसरी तरफ चिरंजीवी पिशाच नई को देख जाता है और कहता है कि वो आ गई है, अब मुझे देखना होगा कि ये यहाँ पर क्या करने आई है। और बाद में राक्षस जा रहा होता है, तभी शिखर उसे रुकता है और शिखर कहता है कि भाई मैं शादी का फैसला लिया, उससे आप इतने नाराज है कि मुझसे बात ही नहीं कर रहे। और शिखर और राक्षस बात कर रहे होते, इसी वक्त दृष्टि आ जाती है और कहती है कि मुझे शिखर से अकेले में कुछ बात करनी। और बाद में शिखर और दृष्टि बात करने जाते हैं, वहीं पर राक्षस दृष्टि को रोक देता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। और बाद में रक्षित और शिखर की बहनों रक्षित और शिखर का चेहरा छुपा देते हैं, और वहीं पर दोनों दुल्हनों का भी वो चेहरा छुपा देते हैं। और बाद में दोनों दूल्हा और दोनों दुल्हन मंडप में शादी के लिए आती है और मंडप में बैठते हैं और दोनों की शादियां शुरू होती है। तो दूसरी तरफ चिरंजीवी पिशाचनी का पीछा करते करते रक्षित के कमरे में पहुंच जाते हैं, और वहीं पर चिरंजीवी रक्षित के कमरे में पिशाचनी का रॉकेट देख लेता है। और बाद में पिशाचनी वहां पर आ जाती है और चिरंजीवी से रॉकेट ले लेती है और बाद में वो चिरंजीवी को मार देती है। वहीं पर नीचे रक्षित और शिखर की शादी खत्म हो जाती है और बाद में दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। तभी दोनों को पता चला कि हमने शादी तो गलत लड़की से कर दी है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि पिशाचनी और शिखर मिले हुए होते हैं और पिशाचनी शिखर को कहती है कि दिव्या की बहन दृष्टि पता नहीं वो कहाँ है, और बाद में पिशाचनी शिखर को कहती है कि तुम दिव्या को मार दो, तो दृष्टि अपने आप दिव्या को बचाने के लिए वो आएगी, और बाद में दृष्टि भविष्य देखती है कि दिव्या को कोई मारने वाला है। और आज के एपिसोड खत्म। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।